अच्छी जगह गाड़ी फंसी हुई है। अंकित ड्राइविंग सीट पर है, कुछ चांस है कि निकल जाए क्या पता। ऑल्दो फोर्ड एंडेवर बहुत गजब की गाड़ी है, खासकर ये जो 3.2 वेरिएंट है बहुत अच्छा है, बट इस कार की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन है कि इसमें है ना एक बहुत लंबा लैग है जब आप एक्सेलरेटर पेडल प्रेस करते हैं और उसके बाद में जो पावर व्हील्स तक पहुंचती है। तो जब आप क्रॉलिंग कर रहे हो तो आपको पावर देनी होती है, फिर पावर कट करनी होती है, तो उस प्रोसेस में लैग इतना कि आप थ्रॉटल लिफ्ट करते हो उसके भी ऑलमोस्ट 1-1.5 सेकंड तक है ना गाड़ी पावर दे रही होती है। आप थ्रॉटल पुश करते हो पावर के लिए, उसके 1-1.5 सेकंड बाद में पावर पहुंचती है। उस लैग की वजह से गाड़ी बिल्कुल क्रिस्पली क्रॉल नहीं कर सकती है, उसकी वजह से बहुत इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट है। एक बार गाड़ी अगर थोड़ी सी भी बैठ गई तो उसको क्रॉल करके आप नहीं निकाल सकते हो। ये ना मैं यहाँ से थार लेके गया था, ये मजे में थार तो मजे से जाती है, तो इन्होंने सोचा एंडेवर भी मजे से जाती होगी, इस वजह से ये इधर जा रही थी नहीं गई, तो फिर ये रिवर्स की स्टक हो गई यहाँ तक आई। ये देखो देखो थार के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो ड्राइवर इट कैन गो। वॉक इन द पार्क, इधर रिकवरी चालू है। अरे नहीं जाती, डांडा साहब ने ईगो पे ले लिया कि एंडेवर क्यों नहीं जाएगी, एंडेवर तो जाएगी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वाओ ये तो गई नहीं, इस भाई एंडेवर में ट्राई कर रहे थे, एंडेवर नहीं चढ़ी। एक्चुअली दैट कार वाज सपोज्ड टू विंच दिस कार आउट, पर अभी उसका खुद का ही गेम डाइसी हो गया। लॉकर लगा लो, चलता है। दो फोर्ड के पीछे बैठी क्या? पावर कम, अब एक्स्ट्रा लिफ्ट के साथ लिफ्ट कर लिए। लेफ्ट काटो स्टीयरिंग, थोड़ा सा और लिफ्ट करो। लेफ्ट टू सेंटर, लेफ्ट टू सेंटर, लेफ्ट 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 और लेफ्ट, अब सीधा। पावर कम, कंसिस्टेंट रखो पावर। लेफ्ट थ्रॉटल हल्का हल्का वेरी करो, थर्टी टू सिक्सटी थ्रॉटल। लेफ्ट 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 टुवर्ड्स ग्रेविटी, चलो 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 चलो। लेफ्ट 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 और लेफ्ट और लेफ्ट और लेफ्ट, पावर कम। अब फ्रंट में उधर उतार लो, नहीं चलो चलो क्या कर दिया निकली हुई गाड़ी का, निकली हुई गाड़ी का क्या कर दिया। देखो यासीन भाई, अरे बाबा जी ने बोला दबा दे, मैंने दबा दिया। ऐसे थोड़ी होता यार, फिर वापस बैक तो आएगी।
पीछे ग्रेविटी से अगेंस्ट जा रहे हो आप। निकाल लो बस, अब आगे निकल जाएगी, पूरा लेफ्ट रखना, हल्के पंजे के ऊपर निकालना आगे, जब तक आगे हार्ड ग्राउंड पे नहीं पहुंचा हो जब तक पावर नहीं दोगे। हल्के पंजे पे पावर नहीं देना, पावर कम। पावर मत बढ़ाना, मूव करते रहो हल्के पंजे पे। बहुत आसानी से निकल जाती है, मेनली ड्राइवर एरर था। विंचिंग सिचुएशन पे ही अपडेट है कि मनीष भाई के एंडेवर को पीछे नीचे उतार लिया गया और उसने इसको यहाँ पे खींच दिया। अब अंकित बहुत बढ़िया ड्राइवर है तो आई एम श्योर वो वहाँ के आगे से मजे से निकाल लेगा। बस बहुत लेट पावर कट गई है तो अंकित भी एंडेवर को नहीं चढ़ा पा रहा है। कपूर साहब ने चैलेंज लिया, आराम से आराम से आराम से। चैलेंज ये रह गया इस वाली जगह जहाँ से एंडेवर नहीं जा रही थी वहाँ से लेके जाना है फ्लो में और आगे से चढ़ाना, बहुत ही बॉगी सैंड है, ये चैलेंज है। और एक्चुअली ये गेम क्या है, जब तक एक गाड़ी सक्सेसफुली क्रॉस नहीं करेगी बॉगी रहेगा, ट्रैक को डिफाइन करना और करना ये प्रॉब्लम रहेगी। एक बार एक गाड़ी निकल गई ना उसके बाद में गेम बन जाएगा, फर्स्ट कार क्रॉस करने के बाद में बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सैंड बहुत चेंज होती है हर अटेम्प्ट के साथ। कपूर साहब ने चैलेंज लिया है, जबकि पावर डिलीवरी हो गया काम बस। कैन नॉट अटेम्प्ट नाउ, जाओ पीछे जाओ, नहीं जाएगी, अरे फंस जाएगी, पीछे ही उतार लो, कोई ऑप्शन नहीं है। Anshuman now going to attempt this obstacle from here, which most of the cars have been failing by now. Oh, that was a piece of cake. फॉर थार नॉट सो इजी फॉर पजेरो।
रूट पर से दिखाया ये सेकंड लो में जाम बात करें जब से हम यहाँ आए हैं एसी नहीं चल रहा है, अभी गियर बॉक्स भी ओवरहीट हो गया है। पता नहीं अगर ये समर्स में अगर डेजर्ट में या ड्यून्स में चलाने के लिए गाड़ी डिज़ाइन की गई है तो पता नहीं, यहाँ पे इतनी बेसिक सी जगह में घुसते ही शुरू के 15 मिनट में जिसके अंदर से 5 मिनट की ड्राइविंग हुई है उसमें अगर ये सिचुएशन आ गई है, इट्स रियली बैड। डिपेंडेबल तो नहीं है गाड़ी इतनी।